पीएल पुनिया जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, अरविंद नेताम जी, रवि घोष जी, फूलो देवी नेताम जी, मोहन मरकाम जी, देवचंद मतलाम जी, शांतिलाल सुराना जी, अमीन मेमोम जी, मनीष श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों और जो लोग वहां दीवार के पीछे खड़े हैं, आप सबका यहां मैं दिल से स्वागत करता हूं। आप सबको जय जोहार। साढ़े चार साल पहले दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और 15 साल से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी बीजेपी की सरकार चला रहे हैं। मोदी जी आए थे और अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी जी ने आपसे वायदे किए, आप सबसे वायदे किए, और 2014 में काफी लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की बात मानी, उनके शब्दों पर भरोसा किया और उनको प्रधानमंत्री बनाया। वायदे क्या थे? 3-4 बड़े वायदे थे। पहला वायदा, जो बिल्कुल सही बात बोली, देश के सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई है, युवाओं को हिंदुस्तान में रोजगार की जरूरत है, और नरेंद्र मोदी जी ने आप सबसे वायदा किया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दे के दिखा दूंगा। अब देखिए, 4.5 साल हो गए, यहां पे कितने युवाओं को नरेंद्र मोदी जी ने और रमन सिंह जी ने रोजगार दिलवाया? 0, 0। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि किसानों को मैं सही दाम दिलवाऊंगा, दिन भर काम करते हैं उनकी मैं रक्षा करूंगा, उनको सही दाम दिलवाऊंगा, उनका कर्जा माफ करूंगा। 4.5 साल हो गए, धान का आपको यहां पे क्या रेट मिलता है? 1500। वायदा क्या किया था? 2100। भाइयों और बहनों, पिछले 4.5 साल में, और यह शायद शर्म की बात है, मगर पिछले 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का, उनके नाम आप जानते हैं, अंबानी नाम जानते हो आप, 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। मनरेगा को चलाने में 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं साल के। मनरेगा से आप करोड़ों लोगों को रोजगार दिला सकते हो। मनरेगा से 10 गुना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीरों का माफ किया। उसमें अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे नाम है। इन लोगों का उन्होंने 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया, मगर हिंदुस्तान का किसान हर रोज हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री से कहता है कि आप हमारा भी थोड़ा माफ कर दो। ठीक है, 3.5 लाख करोड़ रुपए नहीं कर पाते हो,
तो 50,000 करोड़ रुपए, 1,00,000 करोड़ रुपए तो हमारा भी माफ कर दो। यूपीए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसानों को माफ किया था। नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है प्रधानमंत्री बनने के बाद कि किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ और किसानों का 1 रुपया नहीं माफ करने को तैयार। बोनस छीन लिया, आपसे कहा था बोनस मिलेगा, वो भी छीन लिया। आपके जेब में से, किसान के जेब में से पैसा लिया जाता है बीमे के लिए, आप अपना पैसा देते हो, बारिश होती है, ओला गिरता है, आपसे कहा जाता है भैया आपका ही पैसा हम आपको वापस नहीं देंगे। आपकी जमीन छीनी जाती है बिना आपसे पूछे, हजारों एकड़ रमन सिंह जी ने अपने मित्रों के लिए आपकी जमीन छीनी है। तो मैं आपसे खोखले वायदे करने नहीं आया हूं, मैं यहां आपको 15 लाख रुपए देने की बात, करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की बात मैं आपसे नहीं करने आया। मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपकी कठिनाइयों को समझता हूं, मैं जो कहता हूं वो मैं करके दिखा देता हूं। तो मैं आपसे 2-3 चीजें कहना चाहता हूं, और ये सिर्फ बस्तर के किसानों से नहीं कह रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़ के हर किसान से कह रहा हूं। भाइयों और बहनों, पंजाब में, कर्नाटक में आप किसी को जानते हो तो आप उनको फोन लगाओ और उनसे एक सवाल पूछो। आप उनसे पूछो कि देखो बस्तर में राहुल गांधी आया और राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने चुनाव के 10 दिन के बाद पंजाब में और कर्नाटक में किसानों का कर्जा माफ किया, क्या यह सच है या झूठ है, जाके पूछ लो। अब मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को 2-3 चीजें कहूंगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनेगी, आप बनाओगे, और उस सरकार के बनने के 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं होंगे, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर किसान का कर्जा माफ कर देगा। दूसरी बात, अभी बहुत और है, बीजेपी ने आपसे कहा कि हम आपको बोनस देंगे, नहीं दिया, 2 साल से वो आपको बोनस नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, बोनस आपका शुरू हो जाएगा, और जो उनका वायदा था, जो 2 साल से वो आपको नहीं दे रहे हैं, जो उन्होंने अपना वायदा तोड़ा, उस वायदे को भी कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। 2 साल का जो बोनस आपको नहीं मिला वो भी कांग्रेस पार्टी आपको देगी। तो उनका भी काम हम उनके लिए करके देंगे। आखिरी बात, धान की बात मैंने की, 2500 रुपए की बात मैंने की, मगर मैं वहां नहीं रुकना चाहता हूं। हिंदुस्तान में अगर आप कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो लोग पंजाब और हरियाणा का नाम लेते हैं। पंजाब को, हरियाणा को हिंदुस्तान का कृषि का सेंटर माना जाता है। लोग कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा देश को भोजन देता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में आपके खेत के बिल्कुल पास
फूड प्रोसेसिंग प्लांट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा देंगे। किसान जाकर सीधा अपना माल, सब्जी, फल, अनाज उस फूड प्रोसेसिंग प्लांट में जाके बेचेगा, उस फूड प्रोसेसिंग प्लांट में उसे सही दाम मिलेगा, और उसी के बेटे और उसी के बेटियों को उसी प्लांट में, उसी फैक्ट्री में रोजगार भी मिलेगा। हम पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज का जाल बिछा देंगे, और 5 साल के अंदर जब आप देश में कहीं और जाएंगे, किसी और प्रदेश में जाएंगे और सवाल पूछेंगे भैया देश को भोजन कौन खिलाता है, तो आपको जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़ देश को भोजन खिलाता है। यह काम हम आपके साथ मिलकर करने वाले हैं। मोदी जी ने युवाओं को कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, चाइना की सरकार 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देती है। मोदी जी के मंत्री ने कहा, लोकसभा में कहा कि 20 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में। कारण क्या है? 2-3 कारण है। पहला कारण कि आज हिंदुस्तान के बैंक का पूरा पैसा 12.5 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने और रमन सिंह जी जैसे चीफ मिनिस्टर्स ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों को पकड़ा दिया है। तो जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटा उद्योग बिजनेस चलाते हैं, मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनके पास बैंक का पैसा ही नहीं है, और जो आपके पास था, जो आपका पैसा था, आपके जेब में जो था, जो इन महिलाओं ने अपने घर में बचा के रखा था, उसको नोटबंदी ने और गब्बर सिंह टैक्स ने छीन लिया। और आपसे मोदी जी ने कहा कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है। 8 नवंबर 2 साल पहले मोदी जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है। अब आप एक बात देखिए, अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई थी, आप सब तो बैंक के सामने खड़े हुए, 8 नवंबर 9 नवंबर 10 नवंबर आप सब तो खड़े थे ना, याद है आपको? उस लाइन में आपने नीरव मोदी को देखा, अनिल अंबानी को देखा, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को देखा, चोरों को देखा? उस लाइन में सिर्फ ईमानदार किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार खड़े थे। ये महिलाएं जो यहां आई है, ये खड़ी थी। आपके जेब में से पैसा निकाला गया, इन महिलाओं के जेब से, घर से पैसा निकाला गया, और सीधा 35,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी की जेब में, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में, मेहुल चौकसी की जेब में, विजय माल्या की जेब में। यह है बीजेपी की सरकार। रमन सिंह जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 3 छोटे से सवाल। पीडीएस स्कैम हुआ, 36,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से चोरी किए गए। डायरी पाई जाती है, डायरी में साफ लिखा है सीएम मैडम को पैसा दिया। भाइयों और बहनों, ये सीएम मैडम कौन है? उसी डायरी में लिखा था डॉक्टर साहब को पैसा दिया। ये डॉक्टर साहब कौन है जिनको पीडीएस का नान घोटाले का पैसा दिया गया? ये वही व्यक्ति हैं जिनके बेटे का नाम पैनामा पेपर्स में आया। अब देखिए, पाकिस्तान जैसे देश में नवाज शरीफ का नाम पैनामा पेपर्स में आता है और उसको जेल में डाल देते हैं, मगर छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर के बेटे का नाम पैनामा पेपर्स में आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई जेल नहीं जाता, कुछ नहीं होता। चिटफंड स्कैम हुआ, 5,000 करोड़ रुपए जनता का लूटा गया,
सीएम ने मेले लगवाए, सीएम के मेलों में प्राइवेट कंपनियां आई, सीएम ने जनता से कहा कि अपना पैसा इसमें डालो, जनता ने अपना पैसा डाला, कंपनी वाले सब भाग गए, 5,000 करोड़ रुपए आपका लेके भाग गए, एफआईआर दर्ज हुए, मगर एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली, एक व्यक्ति जेल नहीं गया। तो लक्ष्य यही है कि छत्तीसगढ़ का किसान दिन भर काम करे, छत्तीसगढ़ का दुकानदार, छत्तीसगढ़ का छोटा बिजनेस वाला दिन भर काम करे, आदिवासी काम करे, पिछड़े दलित लोग काम करें, और यही 15-20 लोग पूरा का पूरा फायदा उठाते जाएं। ये दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक गरीब लोगों का, कमजोर लोगों का, और दूसरा सबसे अमीर प्राइवेट हवाई जहाज वाला हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में सिर्फ एक झंडा है, दो झंडे नहीं, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर आप 3.5 लाख करोड़ रुपए उनका माफ कर सकते हो तो फिर आप किसान का भी कर्जा माफ करोगे। अगर आप उनके बच्चों को फायदा पहुंचा सकते हो तो फिर आप आदिवासियों के बच्चों को, दलितों के बच्चों को, छोटे दुकानदारों के बच्चों को भी फायदा पहुंचाओगे। ऐसी सरकार हम चलाना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं जमीन की बात करना चाहता हूं, आदिवासियों की बात करना चाहता हूं, और उसमें किसानों की भी बात करना चाहता हूं। यूपीए सरकार थी, हम मनरेगा लाए और उसके साथ हम जमीन अधिकरण बिल लाए थे, ट्राइबल बिल, आदिवासी बिल लाए, और पैसा कानून लाए। और इन कानूनों का लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के कमजोर लोगों की जमीन की रक्षा की जाए। अगर आदिवासियों को जमीन मिलनी चाहिए तो उनको जमीन दी जाए, और अगर किसानों के पास जमीन है तो उनकी जमीन की रक्षा की जाए। जमीन अधिकरण बिल से किसान को मार्केट से 4 गुना ज्यादा पैसा अपनी जमीन के लिए मिलना चाहिए, और किसान से बिना पूछे जमीन नहीं ली जाती, और पैसा और ट्राइबल बिल में आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दी जानी चाहिए। यूपीए की सरकार गई, मोदी जी आए, और उनका पहला काम था जमीनी अधिकरण बिल को रद्द करने का, और उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर से साफ कह दिया कि देखिए जमीन के मामले में आप इन बिल्स को लागू मत कीजिए, ना आप छत्तीसगढ़ में पैसा कानून लागू करोगे, ना आप आदिवासी बिल लागू करोगे, ना आप जमीनी अधिकरण बिल लागू करोगे। और उन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है छत्तीसगढ़ में कि चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो किसान हो, आसानी से रमन सिंह जी की सरकार आदिवासियों से, किसानों से जमीन छीन सकती है। और कांग्रेस पार्टी की जैसे ही सरकार आएगी, हमारा पहला काम जमीन अधिकरण बिल, पैसा कानून और आदिवासी बिल को लागू करने का होगा। हम आपकी जमीन की रक्षा करेंगे, और गांव में जिन परिवारों के पास जमीन नहीं है, हर एक परिवार को हम जमीन देने का काम करेंगे, हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है। आखिरी बात मैं फिर मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूं। देखिए आपने उन पर भरोसा किया, आपने उन पर भरोसा किया, और मोदी जी अपने भाषणों में सेना की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, जहां भी जाते हैं सेना की बात करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेंगे, देशभक्ति की बात करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से उनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। यूपीए की सरकार थी, वायुसेना ने सरकार से कहा कि हमें 126
लड़ाकू हवाई जहाजों की जरूरत है। यूपीए सरकार ने वायुसेना से कहा, आप जाइए दुनिया की मार्केट में जाइए, जो हवाई जहाज आपको अच्छा लगेगा आप उसको खरीदिए, जितना पैसा आपको चाहिए, देश की रक्षा का सवाल है, हम आपको दे देंगे। 2005 में काम शुरू हुआ, 8 साल 9 साल लगे, वायुसेना ने एक हवाई जहाज, फ्रांस का एक हवाई जहाज राफाल हवाई जहाज चुना, 126 हवाई जहाज खरीदने थे। सरकार ने एक शर्त रखी, सरकार ने वायुसेना से कहा, देखिए फ्रांस का हवाई जहाज खरीदा जाएगा, फ्रांस की टेक्नोलॉजी खरीदी जाएगी, मगर हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा और हवाई जहाज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल सरकारी कंपनी बनाएगी। 70 साल से ये हवाई जहाज बना रही है, कारगिल के युद्ध में इनके हवाई जहाज ने पाकिस्तान की सेना पर बम फेंका था, बहुत अच्छा हवाई जहाज बनाते हैं, तो इनको हम हवाई जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। एयरफोर्स आई, एयरफोर्स ने हमें कहा कि देखिए 126 हवाई जहाज खरीदेंगे, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए हिंदुस्तान की सरकार देगी। बात खत्म हो गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, फ्रांस जाते हैं और उनके साथ अनिल अंबानी फ्रांस जाता है, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, 45,000 करोड़ रुपए का उस पर कर्जा है, मतलब हिंदुस्तान के बैंक से उसने 45,000 करोड़ रुपए लिया है, आपका पैसा लिया है और वापस नहीं देता है। हवाई जहाज उसने जिंदगी में नहीं बनाया। एक नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात फ्रांस के राष्ट्रपति ने कही कि अगर आपको राफाल हवाई जहाज हिंदुस्तान में बेचना है तो आप एचएएल को परे कीजिए और अनिल अंबानी को आप ये हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। और नरेंद्र मोदी जी ने 526 करोड़ के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा, मतलब 3 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस की कंपनी को दिलवाया। हिंदुस्तान में हवाई जहाज नहीं बना, फ्रांस का हवाई जहाज खरीद के हिंदुस्तान की एयरफोर्स को दिया गया। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, 1600 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की कंपनी को दिए जब 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज था, और भाई और बहनों 30,000 करोड़ रुपए का फायदा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने मित्र अनिल अंबानी को दिलवाया। ये सच्चाई है। अब लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा, आपने ये काम क्यों किया, आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट क्यों छीना, आपने अनिल अंबानी को क्यों दिलवाया, 30,000 करोड़ रुपए आपने क्यों चोरी करवाए। 1 घंटा मैंने बात बोली लोकसभा में, मोदी जी उधर बैठे थे, मैंने उनके सामने बोला, टेलीविजन पे सब लोगों ने देखा, मैंने सवाल पूछे, और जब मैंने उनसे सवाल पूछा, जैसे मैं आपकी आंख में आंख मिला रहा हूं वैसे नरेंद्र मोदी जी मेरी आंख में आंख नहीं मिला पाए। मैं सवाल पूछूं, नरेंद्र मोदी कभी नीचे देखे, कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, कभी ऊपर देखे, मगर मेरी आंख में आंख ना मिला पाए। अब आप नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनिए, वो आते हैं छत्तीसगढ़, पहले हर भाषण में भ्रष्टाचार की बात करते थे, हर भाषण में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और आज जब छत्तीसगढ़ में आते हैं उनके मुंह से भ्रष्टाचार शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी स्टेज से भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द बोलेगा और अगर नरेंद्र मोदी राफाल के बारे में नहीं बोलेगा, अनिल अंबानी के बारे में नहीं बोलेगा,
30,000 करोड़ रुपए के बारे में नहीं बोलेगा तो जनता बोलेगी चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। ये है सच्चाई कि प्रधानमंत्री अपने देश के सामने अनिल अंबानी, राफायल 30,000 करोड़ रुपए की बात नहीं कर सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझसे, फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा है कि अनिल अंबानी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया की प्रेस को कहा है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोर है, मगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक मिनट के लिए जवाब नहीं दे पा रहा है। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने आपका भरोसा तोड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा लेकर, आपकी कमाई का पैसा लेकर अपने मित्रों को और अनिल अंबानी को दिलवाया है, और यह हम में और उनमें फर्क है। छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी तो उस पैसे से हम आपके लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल खोलेंगे। यह पैसा जो है यह आपके भविष्य का पैसा है, यह अनिल अंबानी का, नीरव मोदी का, मेहुल चौकसी का पैसा नहीं। और आपके बच्चों को भी और आपको भी सपने देखने का हक है, और हम उस सपने को आपके साथ मिलकर पूरा करना चाहते हैं। बस्तर के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, आप इंदिरा गांधी जी को बहुत अच्छी तरह जानते हो, उनको याद करते हो, तो मैं आपका एक प्रकार से, मैं दिल्ली में आपका सिपाही हूं, और जो भी बस्तर मुझसे चाहेगा, चाहे मैं कहीं भी हूं, आप सिर्फ मुझे बताइए कि राहुल आपकी जरूरत है, बस्तर आपसे यह चाहता है, और मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा आपके लिए काम करने के लिए। आपने मुझे और मेरे परिवार को प्यार दिया है, आदर दिया है, सम्मान दिया है, और मैं इसको कभी भूलने वाला नहीं हूं। और अंत में खत्म करने से पहले, पिछले चुनाव में बस्तर ने कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन किया था, तो जाने से पहले मैं इसके लिए भी आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछली बार कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई, इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार 100% आएगी, और वो आपकी सरकार होगी, बस्तर की सरकार होगी, छत्तीसगढ़ की जनता की सरकार होगी। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं आभार के लिए आमंत्रित करता हूं देवचंद मतलाम जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष। देवचंद मतलाम, बोलिए भारत माता की। आज कोंडा गांव के पावन धारा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्रद्धेय राहुल गांधी जी का आगमन आपके बीच में हुआ। आप लोगों ने को कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा को जो आप लोगों ने सुना, और आप लोगों के जोश को देखते हुए ये महसूस, मंच के माध्यम से महसूस हो रहा है कि आप लोग बस्तर के 12 सीट आप लोग कांग्रेस को जीता कर देंगे, ऐसा ऊर्जा सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं। मैं बहुत बहुत कोंडा गांव की पावन धारा में सभी राष्ट्रीय नेताओं का आगमन के लिए मैं दह दिल से कोंडा गांव की पावन धारा की ओर से आभार व्यक्त करता हूं।
हमारी चिंता हम सबको करनी है और ये उत्तरदायित्व कोई मेरा नहीं है। मैं आज यहाँ हो सकती हूँ, कल नहीं हो सकती हूँ, लेकिन ये प्रत्येक भारत के नागरिक का उत्तरदायित्व है। मुझे चिंता नहीं है कि मैं